जनपद के नगर पंचायत पिपराइच में बाबा मोटेश्वर मंदिर में श्रवण माह के चौथे सोमवार को बाबा मोटेश्वर को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही तथा सभी श्रद्धालुओं को बारी बारी से जल चढ़ाने का मौका दिया जा रहा था। यह बेहद प्राचीन मंदिर है और भक्तों में इसे लेकर बहुत आस्था है। सावन के आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की श्रद्धा शिव मंदिरों पर उमड़ पड़ी। गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित पिपराइच कस्बे में मोटेश्वर का बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर दूर दराज से लोग पूजा आराधना करने और मन्नत मांगने के लिए आते हैं। भक्तों की हर मुराद इस शिव मंदिर में पूरी होती है। श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ शिव की पूजा आराधना करते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु मोटे शिव के दर्शन करने के लिए सावन में चौथे सोमवार को मंदिर में आए और हर हर महादेव की जय घोष कर पूजन किया। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर के महंत संतोष गिरी ने बताया कि यह काफी प्राचीन मंदिर है, सावन में इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। मोटेश्वर शिव मंदिर की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। उससे पहले यहां पर पीपल का एक छोटा पौधा था जहां से 4 इंच मोटा और 9 इंच लंबा शिवलिंग मिला था। तत्पश्चात मंदिर की स्थापना कर शिव भक्त पूजा पाठ करने लगे और दिन पर दिन बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग भव्य हो गया। उन्होंने कहा कि मोटेश्वर बाबा के मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ को सावन माह प्रिय है। भगवान शिव देवताओं में सबसे सरल और जल्द प्रसन्न हो जाने वाले देवता माने जाते हैं। भोलेनाथ की आराधना के लिए यूं तो पूरा सावन मास ही शुभ है, लेकिन उसमें भी सोमवार का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन आपके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सावन के सोमवार को शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बड़हरगंज के मुक्तिपथ से सरयू नदी के तट से जल लेकर कांवरिये पिपराइच के मोटेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। सरयू नदी में स्नान कर कांवरियों ने जल भर कर पिपराइच के शिव मंदिर के लिए अपने अपने साधनों से चल दिए। मुक्तिपथ से करीब 90 किलोमीटर दूर पिपराइच के मंदिर पर कांवरियों का जत्था कई जगह से होते हुए पहुंचा। सोमवार के दिन ज्यादातर लोग पुत्र प्राप्ति की मन्नतें मांगते हैं और उनको भोले बाबा पुत्र देते हैं। जो लोग सोमवार के दिन पूजा पाठ करते हैं उनका महत्व अधिक होता है और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच स्थित मोटेश्वर नाथ मंदिर में आई श्रद्धालु श्वेता एवं मंदिर के महंत संतोष गिरी ने कहा, आप लोग जल को चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे प्रशासन हमारे किसी भी अपरिचित महिला से कोई सभी इस मंदिर को आगे बढ़ाने में आप लोग
जिनको प्रसाद नहीं मिल पाया बुला करके प्रसाद ले लें, जिनको अभी चंदन नहीं ले पाया आकर के चंदन ले लें। आप लोग बारी बारी से प्रसाद लेते रहे, प्रसाद सबको दीजिए, आप लोग प्रसाद लेकर ही घर जाइए, चंदन सबको लगाइए। हल्दी चंदन चढ़ता है, हनी चढ़ता है, मधु बेलपत्र, हाँ पूरा होती है मतलब जी। श्री संतोष गिरी जी, मैं मोटेश्वरनाथ मंदिर के महंत हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने भोले बाबा का आते हैं। भोले बाबा स्वयं जमीन से निकले हुए हैं लगभग 200 वर्ष पूर्व, और जो भी सच्चे मन से इस भोले बाबा का पूजा मन्नतें मांगते हैं, भोले बाबा उनका मन्नतें पूरी करते हैं। और अधिक से अधिक लोग भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए 3 बजे भोर से लाइन में लगे हुए हैं, और बारी बारी से सबका दर्शन हो रहा है, और वो बड़े ही खुशहाली से प्रसाद को लेकर के घर जा रहे हैं। यह मोटेश्वरनाथ मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पर स्वयं ये जमीन से निकले हुए हैं। यह जल चढ़ाते चढ़ाते इनका शिवलिंग जो है इतना मोटा हो गया, इनको मोटेश्वरनाथ मंदिर मोटे शिव कहा जाता है। सावन में भोले बाबा का विशेष महत्व रहता है कि काफ़ी लोग सावन में, यह भोले बाबा का त्यौहार है, उनका यह दिन है सावन मास, इसी में अधिक से अधिक लोग आते हैं और जल चढ़ा करके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सावन मास में भोले बाबा का विशेष महत्व रहता है, भोले बाबा और पार्वती जी का जो है पूजा अर्चना इसी दिन हुआ था, और लोग मन्नतें मांगते हैं, जिनका पुत्र नहीं होता है भोले बाबा उनको पुत्र देते हैं, और पार्वती जी का विशेष पूजा सोमवार के दिन ही हुआ था, भोले बाबा से उनके वरदान के रूप में सोमवार के मांगी थी। जो लोग सोमवार को पूजा पाठ करते हैं उनका महत्व अधिक रहता है और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं।